सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भैया पूरे शहर पूरे हिंदुस्तान में तेल का मचा हुआ, ना नौकरी है ना रोजगार है, महंगाई बड़े पैमाने पे। रोडों पे क्या हो रहा, रोड बाद में लेटा का कुछ नहीं बना, आम आदमी को फायदा नहीं है। तो आधा आदमी कहाँ से फायदा हो गया, आम आदमी उससे बिस्तर पर लगा कर रोड पर। अभी जितना वो महंगाई का दौर है, आदमी खा नहीं पा रहा, खरीद नहीं पा रहा, हर चीज महंगी है, कमाई कम है। सिर्फ अपनी गवर्नमेंट ने अपना पेट भरा, बाकी किसी का पेट नहीं भरा गया अभी तक। पैसे वाला था, जितना पैसे वाला हो गया, गरीब आदमी और नीचे को हो गया। जिला मेरठ हो, क्या जिला मुरादाबाद हो, क्या जिला मुजफ्फरनगर हो, जिला बिजनौर हो, इधर के इलाके में साइकिल ही चलेगी जी। मैं नौकरी की रोजगार की समस्या है और कहीं महंगाई की समस्या, ये दोनों हल हो जा तो सारा मोदी जी का है। योगेश वर्मा जी है, उनकी पत्नी है सुनीता वर्मा जी, वो है। तो कैसा उनका कैसा रुझान आपको लग रहा है पूरे मेरठ में भाई? देखो उनका मुद्दे हैं, उनके पास धर्म नहीं है, उनके पास मुद्दे हैं। मुद्दे है। जी तो मुद्दे जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं वही उनके पास हैं। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट पर है, ये हापुड़ रोड है, इमलियान ये मोहल्ला पड़ता है, जहाँ पर हम मुस्लिम समाज के बीच है और बातचीत करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम समाज की क्या राय है। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, बड़े भैया, क्या नाम अपना? रईसुद्दीन। रईसुद्दीन जी, क्या लग रहा मेरठ का, क्या माहौल चल रहा चुनाव वाली? मेरठ का माहौल तो बहुत अच्छा है, क्या देख रहे हो? तरफ भगवा दिख रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, आगे कल क्या होगा ये पता ऊपर वाले को है, मगर मौसम सही है। अच्छा ये बताओ, जो एक आम आदमी के मुद्दे हुए भाई, रोजगार है, महंगाई है, इस तरह की जो चीज़ें बढ़ी, क्या लगे, कितनी दिक्कतें हुई है? भैया पूरे शहर पूरे हिंदुस्तान में तेल का मचा हुआ, ना नौकरी है ना रोजगार है, महंगाई बड़े पैमाने पे। तो परिवार चलाने में समस्या पैदा हो कुछ ऐसी? सारी समस्या है, जब रोटी पकेगी जब तो खुशहाल होगा परिवार, वो रोटी का ही मसला गहरा है पहले तो। अभी जितना वो महंगाई का दौर है, आदमी खा नहीं पा रहा, खरीद नहीं पा रहा, हर चीज़ महंगी है, कमाई कम है, आमदनी भी है ऐसी, आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा है, परेशान है, यही हाल है। तो किसे जिधा रहे मेरठ में? मेरठ में तो भैया भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा, हमें तो लगता है भाजपा का ही मामला बन रहा। अरुण गोविल जी जो है, हाँ हाँ, बहुत भले आदमी है, इनको जिता देंगे। सपा भी है, बसपा भी है, इनका क्या? बहुत उनका तो खेल खत्म हो गया, अब तो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, भाई इन्हीं को चल रहा सब कुछ। अच्छा इन्हीं भाग रहे भैया सब। नौकरियाँ की बात करें, रोजगार की क्या स्थिति मेरठ? रोजगार की तो बात ये है भैया, हर तीन चौथा आदमी खाली है, घर में चार आदमी तो तीन काम से लग रहे, थोड़ा थोड़ा कर रहे, चौथा खाली हो, कह रहा मैं क्या करूँ, ये तो हालात है। मैं नौकरी की रोजगार की समस्या है और कहीं महंगाई की समस्या, ये दोनों हल हो जा तो सारा मोदी जी का है। सरकार फिर भी बढ़िया है, सरकार तो मोदी जी की बने। जी क्या नाम भाई? मोहम्मद बबली। मोहम्मद भाई क्या लग रहा, क्या मुद्दे हैं समाज के, जो काम होने चाहिए थे मेरठ में हुए पिछले 5 साल 10 साल? भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है सरकार में, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अपने आप से है लोगों को। अच्छा हाँ, तो जैसे अभी बात हो रही थी भाई, रोजगार की समस्या एक बड़ी, कोई नहीं है, कहते रहूँ मैं, दिक्कत अपने आप से है, रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम बना दिया, सिस्टम पर चल नहीं पा रहा आदमी, बस ये बात ही है सारी, और कोई बात नहीं है। और महंगाई महंगाई की बात कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, अभी दोबारा भी इंशाल्लाह सरकार यही आएगी। क्या नाम भाई दोस्त? जी वकील। जी वकील साहब, क्या लग रहा चुनाव आगे मेरठ में, क्या माहौल देख रहे? माहौल का क्या बताऊँ, माहौल तो इंशाल्लाह साइकिल जी का, साइकिल का है। तो साइकिल से योगेश वर्मा जी है, उनकी पत्नी है सुनीता वर्मा जी, वो है। तो कैसा उनका कैसा रुझान आपको लग रहा पूरे मेरठ में भाई? देखो उनका मुद्दे हैं, उनके पास धर्म नहीं है, उनके पास मुद्दे हैं। मुद्दे है। जी मुद्दे तो, जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं वही उनके पास हैं, और उनके ऊपर खड़ा उतरे ना उतरे तो बात बरतने के बाद पता लगेगा। तो मेरठ जो है मुद्दों पे मुद्दे देख रहे जी, मुद्दों के पास जी, मुद्दों पे बहुत है जो धर्म को भी देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मुद्दों को देखेंगे, चाहे सबके मुद्दों पर चुनाव होगा। जी जी नमस्कार।
थोड़ा सा बता दो क्या लग रहा है मेरठ में? सुनीता वर्मा का हाल वो है। अच्छा, उनके रुझान बन गए? उनका रुझान बन रहा है, पहले भी उन्हें जिताया है, एक बार और अब क्या फिर उनको जिताएंगे। और पहले जो अग्रवाल जी थे उन्हें तो टिकट नहीं, उनका काम कैसा लगा? अग्रवाल जी का कोई काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं करा आज तक, कहीं उन्होंने देखा ही नहीं ना मैंने आज तक, कुछ काम ही नहीं किया आज तक। और ये जो प्रत्याशी है, जैसे भाजपा की भी बात करो, अरुण गोविल जी जो आए हैं, लोग कह रहे हैं बाहर के है भाई, ये तो भारी आदमी है, इनका क्या खड़ेगा यहाँ पे, यहाँ कोई मुद्दा नहीं। आठ दिन और दिखाई दे रहे हैं बस, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देगा। तो ये नाराजगी है मेरठ के भाई, मेरठ के लोगों को टिकट नहीं दिया? नहीं, नाराजगी तो ये नहीं है, नाराजगी तो ये है, मुद्दे हैं। यहाँ कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं है। पिछले 10 सालों में क्या स्थिति बदली मेरठ में रोजगार? कुछ नहीं बदला जी, कुछ नहीं बदला, तुम देख लो, कुछ बदला हो तो पिछले से भी और बदतर हो गया यहाँ पे हालात। 10 साल में सरकार ने क्या कहा बताओ? क्या नाम भाई? मोहम्मद हारून पहलवान। हारून भाई जी, क्या लग रहा है 10 साल कैसे रहे सरकार के? 10 साल बड़ी मुश्किल से कटे हैं, बस समस्या रही। हाँ, समस्या रही है। कोरोना जैसे कोरोना आया उसमें क्या? अरे कोरोना कुछ ना आया, बस वैसे हप्पा बढ़ाई है। कोरोना वोना कुछ नहीं है, अल्लाह की बेहतरी हो तो जो अल्लाह करता अच्छा करे, बेहतर करता जैसे करता। तो क्या देख रहे मेरठ में, किसे ला रहे? देखो सरकार आ गई तो साइकिल की लग, तो साइकिल के लिए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो है। हाँ जी, देखो सरकार जो भी आएगी आएगी, अब क्या कह सकते, सरकार करेगी क्या? अस इलेक्शन का टाइम पर तो दिखाई दे, उसके बाद तो कोई दिखाई नहीं देता आसपास। तो चुनाव में ही आते हैं सब? बस चुनाव में ही आते हैं, खारसा लड़ने में जो भी आता, कहते ना इलेक्शन में जिसका मुंह देखना बस उसकी कांग देखनी पड़ जा, वही हिसाब है, और कुछ नहीं है। नेता लोग तो, जब भी आवे बस तो एक चीज़ में वैसी समस्या में परेशानी में नहीं आने कोई। जो मेरठ की क्या समस्या है आपकी, आपके नज़रिए में मेरठ शहर में किस तरह की दिक्कत है इस सीट पर? दिक्कत मेरठ में क्या, हर जिले में दिक्कत ही दिक्कत है। सड़क है कोई? सारी टूटी पड़ी सड़कें, टूटी पड़ी है सड़कें, खड्डों में सड़कें हैं। हाईवे बनवाए, हाईवे काम नहीं हुआ कुछ नहीं। आप देख, आप तो घूम लो ना, सर्वे कर लो कहीं भी। फ्लावर बनवाए, हाईवे बनवाए, उससे क्या हो रहा है? वहाँ भीख मांगा कोई प्लेट लेके, बेरोजगारी खत्म, रोजगार दे जब उससे, जब भी चले भी उससे कुछ। रोड पे क्या हो रहा? रोड बाद में लेटा कुछ नहीं, आम आदमी को फायदा नहीं है क्यों? आधा कहाँ से फायदा हो गया? आम आदमी उससे ले बिस्तर पर लगा कर रोड पर, हाईवे बने, फ्लावर बने, उससे क्या हो गया? पैसे वाला था, जितना पैसे वाला हो गया, गरीब आदमी और नीचे को हो गया। रोजगार नहीं है कुछ भी। तो कह रहे एक कुछ नहीं भाई, बाइक भी नहीं जाएगी ये गरीब। हाईवे कुछ नहीं बना, ये जब पहले के पास हुए हुए थे टेंडर, ये अब इन्होंने कर दिया बस, अन्य तो पहले ही हुए हुए थे, तो अखिलेश की सरकार में हुए हुए थे। तो हाईवे बन गया तो गरीब क्या करेगा उसमें? गाड़ी सुनना गरीबों के पास, वह तो नेता लोगों के पास, उनके लिए फायदा हुआ है हाईवे बन के, रोड बन के, कोई गरीब के लिए फायदा रोड से? रोड गरीब तो टूटे फूटे में चल जाएगा जैसे चल लिया, मगर रोजगार तो होगा कम से कम उसके साथ। अच्छा रोजगारी खत्म हो तो रोड क्या धज्जक मराएगा, क्या करेगा रोड भी बन के क्या करेगा? बड़े मियां, चुनाव के बारे में पूछ रहे थे, क्या लग रहा मेरठ में? लोकसभा सीट है मेरठ। चुनाव के बारे में तो अखिलेश ही होगा यहाँ से। अखिलेश ही? हाँ। अच्छा, तो उनके कैंडिडेट है योगेश वर्मा जी की पत्नी सुनीता वर्मा जी, तो एक दलित समाज से भी आवे, क्या गठजोड़ बनेगा इस बार? गठजोड़ तो बहुत बढ़िया बन रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छा बन रहा है गठजोड़ आपके, आपके जो सरकार जानी है। दूसरी बात, ये मंदिर बना दिया, मंदिर के खाने को दे रहा है पब्लिक को, हैं? अस्पताल बनाते वहाँ पे, हॉस्पिटल बनाते वहाँ पे, बच्चों का स्कूल बनाते वहाँ पे, बच्चों को शिक्षा मिलती है वहाँ पे। हाँ जी, रोजगार की भी समस्या है नौजवान, रोजगार की बहुत समस्या है, सब बेकार पड़े हैं, कोई काम नहीं मिल रहा किसी को। हाँ, गरीब साइकिल देख रहे हैं मेरे, गरीब आदमी बहुत पिस रहा है। हाँ हाँ जी, आप साइकिल देख रहे हैं? साइकिल देखेंगे सब इंशाल्लाह जी। बड़े क्या कह रहे थे, क्या समस्या है मेरे? समस्या ये है, एक तो रोजगार भी कम है और महंगाई बहुत हो रही है। सरकारी नौकरियाँ अब तो खत्म ही हो गई बिल्कुल, सरकारी नौकरी हो तो लोगों, जो बच्चे पढ़ लिख के इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही भाई। नौजवान पीढ़ी है, नौकरी की तैयारी कर रही थी, भर्ती आई रद्द होगी, कहाँ समस्या नजर आ रहा है? तो यही सब समस्या हो रही है, और क्या खूब घोटाले हो रहे हैं, सब घोटाले हो रहे हैं, और सब ये मतलब ये उन्हीं को पकड़ रहे हैं जो नेता हैं, उनको मतलब ये बेवजह पकड़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं मेरठ में फिर? मेरठ में तो देखो जी, अब ये सब इंडिया गठबंधन ही आएगा और क्या आएगा, इंडिया गठबंधन। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे भाई? मैं कह रहा था अगर भर्ती आएगी किसी चीज़ की तो पढ़े लिखों को आगे, हम पढ़ो बेचारों गरीबों को क्या आएगी? रोजगार की लग रहेगी उसकी तो, पर रोजगार जो गरीब है ठेला चलाने वाला मजदूर करने वाला, उसमें मजदूरी नहीं निकल रही, उसका पेट नहीं पल रहा, उसका बच्चे नहीं पल रहा, तो उसमें पढ़े लिखों की तो नौकरी लगेगी जो
भर्ती भर्ती आवेगी उनकी आवेगी, पढ़े लिखो को भी नहीं मिल रही, वो तो पढ़े लिखे नहीं मिले, पढ़े लिखे जाने भाई लाखों रुपए बर्बाद करी क्यों करे उन्होंने, नौकरी भी करे अब वो पढ़े लिखे जाने उनकी सिर दर्द दी है, हम पढ़े जा रहा है ठेले रिक्शे चला सके उसमें भी आमदनी नहीं है तो कहाँ से करा, ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं हुई, व्यवस्था कहाँ हुई है, पढ़ा लिखा ही बताएगा जी उसकी बात को, तो भैया हम जैसों को गरीबों को ना हुई तो उन पढ़े लिखो कहाँ से होगी, वो तो लाखों रुपये उठा के पढ़ते हैं, तो महंगाई की भी मार है कुछ, हाँ महंगाई की मार है क्यों नहीं है, महंगाई की मार क्या मार नहीं है, अखिलेश उसकी इसकी कांग्रेस की सरकार में हम छोटे से आज तक ये पता नहीं चला सरकार का मसला है क्या, इसकी सरकार में आकर पता चला महंगाई का, नहीं उसकी सरकार में पता नहीं चला महंगाई का, आम आदमी जो जैसे आप कह रहे भाई जो मजदूरी करने वाला रेडी लगाने वाला है भाई उसका घर चल पावे आज के दौर में मुश्किल है भाई, कह नहीं सकते इस बात को, जिसका घर है वो खुद जाने भाई, हमारा घर खुद नहीं चल रहा तो हम कैसे बताते, क्या कह रहे थे भाई, एक बात सुनिए आप हमारी, आप भी पत्रकार हो ठीक है ना, आपको नौकरी पैसे का काम है ठीक है, नहीं गलत तो नहीं कर रहे इस बात को, आप भी नौकरी पैसे वाले हो, ये भी बच्चे जो काम करते हैं रिक्शे से ये वैसे करते हैं काम, ये लोग इन बच्चों की बताओ क्या तनख्वाह है बंदी हुई या कुछ है इन लोगों का बंदा हुआ, आप किसी को आदमी को आटा लेना 5 रुपये किलो, समझना आप बात, 5 रुपये किलो आटा लेना आज 5 रुपये नहीं है, आज 35 रुपये किलो आटा है, महंगाई बढ़ रही, 35 रुपये किलो आटा है आज, आप किसी के राशन कार्ड नहीं बना हुआ, 4 महीने से लाइन में लगा हुआ है बंदा कि हाँ जी कब इलेक्शन के बाद में तुम्हारी पर्ची बनेगी, बताओ तुम राशन को कह रहा हो, आदमी राशन कच्चा चबा हुआ था, जब महंगाई है तो क्या करेगा राशन करेगा क्या राशन का है, जिसके मेरी बात सुनो जिसकी फैमिली है जिस फैमिली बड़ी है वो क्या राशन भी पर टुकड़े पाल लगा, और भी तो खर्चे होते हैं, और भी गाल फालतू खर्चे होते हैं बाहर के, अब राशन कच्चा तो नहीं चबा सकता कोई, पकाने के लिए भी चाहिए, हाँ दुनिया भर की चीज रह रही है पकाने के लिए भी, सब में महंगी चीज़ तो महंगी चीज़ है, गैस गैस महंगी है, कहाँ 400 रुपये के लिए 300 रुपये सिलेंडर था, अब घटाए दे चुनाव 1200 का कुछ है, वो तो इलेक्शनों के टाइम पे तो घटा के दिखा दिया, उसके बाद कौन घटा रहा है, मेरठ में जो कि मेरठ जिला हो क्या जिला मुरादाबाद हो क्या जिला मुजफ्फरनगर हो जिला बिजनौर हो, इधर के इलाके में साइकिल ही चलेगी जी, हाँ जितने भी कंट्री मुस्लिम ही है सब के साइकिल ही चलेगी, क्या नाम भाई, सावेज, सावेज भाई चुनाव आ रहे वोट बन रही, हाँ किसे दे रहे, कांग्रेस को यानी साइकिल को, गठबंधन में एक तरफा डाले के बिल्कुल, अच्छा कैसा लगा काम मोदी सरकार को, मोदी सरकार का क्या काम है भैया, बस चप्पल ही घिस रहे, रोजगार की क्या स्थिति है, बहुत बुरी हालत है भैया, बहुत बुरी, बस कांग्रेस को डालेगा की तरफा वोट, क्या लगा जी आपको सर काम कैसे रहे, सरकार तो बीजेपी की आवेगी, हमारी सरकार आवेगी बीजेपी की, और बीजेपी तो आपको अपने में नहीं ले रहे, नहीं बीजेपी हमारे तो, और हमारे क्या लगा हमारे पे ईवीएम हम तो बदल लेंगे वोट, ईवीएम ये साइकिल वाले कितनी जोर लगा लो गड़बड़ हो जाए, हाँ गड़बड़ तो होनी है, गड़बड़ पे टिंग रहा हम अन्य हमारे पे है क्या, तो मेरठ में क्या देख रहे, भाई ये देख रहे बेईमानी होगी, आज आपको कठार होगी आप उसकी कठार हो जाएगी, ये नए जो प्रत्याशी लाए ये कैसे लगे, प्रत्याशी पहले तो ऊपर जो बैठे वो बताएंगे, लेकिन मेरठ में किस तरह की दिक्कत है, आम आदमी है अगर उससे की दिक्कत है, क्या सहूलियत है बताओ, सहूलियत बताओ कि सहूलियत ही है कुछ भी, आप बताओ आप मेरठ के है दिक्कत, सारी दिक्कतें हैं बताओ, कहीं नहीं है, हर जगह दिक्कत है, क्या चाह रहे भाई, दिक्कतों पर काम हुआ नहीं, ये भाई साहब कोई काम नहीं हुआ है सरकार के अंदर, सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ नहीं हुआ, महंगाई अपने अपनी सिर्फ अपनी गवर्नमेंट ने अपना पेट भरा, बाकी किसी का पेट नहीं भरा गया अभी तक, तो बदलाव चाह रहे इस बार, बदलाव जब होगा जब तो सरकार दूसरी आएगी जब तो वो करेगी, आज तक ये बताइए आप कौन सा बदलाव हुआ है, जहाँ देखिए आप इन जगहों पर कोई बदलाव हुआ हो तो आप मुझे बता सकते हो कि इस चीज़ में बदलाव हुआ है आज तक, तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो मुस्लिम समाज कहाँ देख रहा है मेरठ को, हम तो साइकिल पे देंगे जी वोट, हम लोग मेरठ में हापुड़ रोड पे थे और ये इमलियाना मोहल्ला है जहाँ पर हमने इमलियान मोहल्ला है जहाँ पर हमने बातचीत की लोगों से, मुस्लिम समाज से बातचीत की, कहीं ना कहीं यहाँ लोग सपा के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं, जुड़े रहे सीसीए के साथ, उत्तर प्रदेश से खबरें आपको आती रहेगी, धन्यवाद।